हेलो व्यूअर्स, मैं फिर से हाजिर हूँ और आज आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूँ जिसका नाम है शैडो कॉपी। तो शैडो कॉपी के बारे में बहुत ही छोटा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो शैडो कॉपी वैसे देखा जाए तो सर्वर का एक बहुत ही छोटा सा फीचर होता है जो हमारे सर्वर के लिए एक तरह से डेटा प्रोटेक्शन कह लो या रिडेंडेंसी कह लो, ये प्रोवाइड कराता है। तो शैडो कॉपी बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इस पर हम क्विक रिव्यू करके थ्योरिटिकल और फिर हम तुरंत ही क्विक लैब पे जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा एजेंडा है कि शैडो कॉपी क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं और हम इसको शेडो कॉपी को ग्राफिकली और कमांड लाइन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को अलग अलग डिस्कस किया है। तो ये GUI है और ये जो मेरा ब्लू कलर में है, मैंने CLI में कॉन्फ़िगर आपको दोनों तरह से ये कमांड लाइन से भी और आपको ग्राफिकली भी हम ये आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि शेडो कॉपी है क्या। तो शेडो कॉपी ऑल्सो नोन एज द वॉल्यूम स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट से समझते होंगे, स्नैपशॉट इज द फ्रीजन, यानी कि कहा जाए तो फ्रीज स्टेज होता है, या फिर कहा जाए तो एक तरह का फोटो होता है जिस स्टेज में खींच दिया जाता है। उस मशीन का पोजीशन हमेशा वही रहता है जिस पोजीशन में उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम स्नैपशॉट सर्विस या फिर कहा जाए VSS जो होता है उस पर बनाया जाता है। तो स्नैपशॉट के बारे में हमें पता है कि स्नैपशॉट एक फ्रीज स्टेज होती है जहाँ पर जिस चीज़ को एक बार हम फ्रीज कर देते हैं उसको हम दोबारा से, अगर कोई दिक्कत होता है फिर से हम उसी पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी फॉर विंडोज ऑटोमेटिक बैकअप टेकिंग के लिए इसको बनाया गया है। ये हमारे मशीन का स्नैपशॉट बनाता है वॉल्यूम्स का, खासकर काहे का वॉल्यूम यानी कि ड्राइव का बनाता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स का बनाता है। तो इट इज इम्प्लीमेंट ए विंडोज सर्विस कॉल्ड द VSS वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस। तो ए सॉफ्टवेयर VSS प्रोवाइडर, ठीक है। और ये जो हमारा VSS होता है NTFS को सपोर्ट करता है। तो VSS के बारे में हमने थोड़ा सा जाना और शैडो कॉपी के बारे में हम बात करते हैं। तो शैडो कॉपी जिस ड्राइव में आप बनाते हैं उसमें लगभग हमारा 100 MB का स्पेस कवर करता है। और ये शैडो कॉपी का कोई फीचर नया नहीं है सर्वर 2012 या 16 के लिए, ये हमारा सर्वर 2003 से ही चला आ रहा है। क्या है? सर्वर 2003 से ही चला आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा जो शैडो कॉपी होता है, ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी वॉल्यूम का शैडो कॉपी बनाया हुआ है, अगर कोई बंदा अगर उसके अंदर से या कोई आके मेरे वॉल्यूम के अंदर से कोई डेटा डिलीट कर देता है, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा से ला सकता हूँ। मगर अगर कोई इस मेरे वॉल्यूम को फॉर्मेट करता है तो मैं नहीं ला सकता, क्योंकि शैडो कॉपी जो होता है उसी ड्राइव से डिस्क स्पेस अपने स्टोर होने के लिए या फिर फ्रीज पॉइंट बनाने के लिए वहीं से यूज करता है जिस ड्राइव से वो बनता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप ड्राइव फॉर्मेट करेंगे तो वो जो हमारा फ्रीज पॉइंट है वो भी क्या होगा, हो जाएगा, उससे डिली फॉर्मेट हो जाएगा। इस फिर हम वहाँ से रिकवर नहीं कर सकते, ये केवल डिलीट हुआ डेटा ही वापस ला सकता है शैडो कॉपी, ठीक है। तो शैडो कॉपी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैं आपको ये शैडो कॉपी दिखाता हूँ। तो अभी मैं कुछ डेटा है जिस ड्राइव का मैं शैडो कॉपी बनाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। जैसे ही ये डेटा कॉपी हो जाता है मैं अभी लैब को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए तब तक हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जो शैडो कॉपी था सर्वर 2003 में माइक्रोसॉफ्ट लेके आया, तब से फिर 2003 के बाद 2008 में भी था, R1 में, R2 में, और ये सर्वर के अभी भी 2016 तक हर जगह आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम कमांड लाइन से, पावर सेल से और ग्राफिकली तीनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मगर मैं आपको ग्राफिकली और कमांड लाइन से तो मैं अभी बताता हूँ, पावर सेल से कोशिश करूँगा आपको बताने का, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो थोड़ा सा
यहाँ पे मैं देखता हूँ मशीन की स्टेट। चलिए ग्राफिकली मैनेज करते हैं इसको। तो चलते हैं अपने मशीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास एक ड्राइव है, ई ड्राइव, ठीक है, जिसके अंदर मेरा डेटा रखा हुआ है कुछ। तो इसका मैं आपको ग्राफिकली शेडो कॉपी करके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं इस ड्राइव के प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर शेडो कॉपी, या फिर आप इस ड्राइव के प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा शेडो कॉपी, तो शेडो कॉपी में जाएंगे, सिलेक्ट द ड्राइव एंड इनेबल। इनेबल करते ही यहाँ पे आपका एक शेडो कॉपी सिलेक्ट द वॉल्यूम एक पॉइंट बना दिया है इसने। तो अभी तक जितना भी डेटा था उसका इसने एक स्नैपशॉट खींच लिया। अब होता क्या है, जैसे मैंने ये स्नैपशॉट बना लिया, उसके बाद कोई बंदा आता है मेरे सिस्टम के ऊपर ई ड्राइव के अंदर, और ये क्या करता है यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को शिफ्ट के साथ डिलीट, या फिर इसको ये क्या करता है डिलीट कर देता है, क्या है ये डिलीट कर देता है। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये रिसाइकिल बिन में मुझे दिख रहा है कुछ डेटा, जिसमें कुछ को मैं क्या करता हूँ इसको भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ रिसाइकिल बिन को। तो अब हम देखते हैं कि मेरा डेटा अब यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर अब क्या है कि अब जैसे ही एडमिन आता है वो ये देखता है कि डेटा मेरा सारा लॉस्ट हो गया है, और ये सब सारी चीज़ें मेरे सिस्टम के साथ हो गई हैं। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इसको क्या किया, शेडो कॉपी को बनाया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिकवरी का, कि अब मैं इसकी ग्राफिकल रिकवरी कैसे करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसको मैं ग्राफिकली। तो फिर दोबारा से मैंने वहीं जाना है, अपने माई कंप्यूटर में जाना है, ड्राइव पर राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रीवियस वर्जन, प्रीवियस वर्जन में जाता हूँ, सिलेक्ट द ड्राइव एंड रिस्टोर, एंड रिस्टोर अगेन इट। और जैसे मैं रिस्टोर करता हूँ, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, रिस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको ग्राफिकली कर सकते हैं। अब बात आती है कमांड लाइन की। तो पहले ये ग्राफिकली कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको वेरिफिकेशन करा देता हूँ कि ऑल डेटा इज रीबैक ऑन माय लास्ट फ्रीजन पॉइंट। उसके बाद चलिए अभी देखते हैं, तो जो मेरा शेडो कॉपी के लिए जो कमांड्स है उसको चलिए अभी हम देखते हैं। तो शेडो कॉपी के लिए जो कमांड यूज होने वाला है सी एम डी से, दैट इज, चलिए तब तक मैं सी एम डी सेट करता हूँ, विंडोज आर सी एम डी, और यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट विजिबल कर लेता हूँ मैं, और फॉन्ट पे गया मैं यहाँ फॉन्ट, चलो गुड ओके, ये काफ़ी सही है। और थोड़ा सा और विजिबल कराने के लिए इसको चलिए देखता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट का वाइट जो कलर है इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखता हूँ, ताकि चीज़ें और पहले से बेहतर हो जाए। तो यहाँ जाता हूँ कलर पॉपअप टेक्स्ट, टेक्स्ट में येलो, नो 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 नो, पॉपअप टेक्स्ट, ऐसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अभी देखते हैं, चलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही हुआ है, कितना 52% ही कंप्लीट हुआ है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है, और ये
कंप्लीट हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं ड्राइव के अंदर जाके देखता हूँ, माई डेटा इज बैक अगेन। मेरा डेटा फिर से वापस आ गया है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को कमांड लाइन से नए सिरे से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले पुराने बने हुए पॉइंट को मैं डिलीट करके आता हूँ, जो फ्रीजन पॉइंट बनाया था मैंने। तो मैं शेडो कॉपी में गया और इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आई डिलीट इट। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया है, अब कोई पॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए मैं चलता हूँ CMD के ऊपर और मैं इस ड्राइव का पॉइंट बना के आपको दिखाता हूँ। और आप कमांड देखिए इसके लिए कौन सा है, और इस कमांड को कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूँ। तो कमांड है मेरा, कैप्स लॉक से मैं ऑन करता हूँ, VSS एडमिन स्पेस क्रिएट शैडो, क्रिएट शैडो SHADOW स्पेस, ठीक है, गुड, स्लैश फॉर इजिकल टू, किस ड्राइव का आप शेडो बनाना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मेरे पास ड्राइव है ई, तो मैं ई ड्राइव का बनाना चाहता हूँ। काहे का ई ड्राइव का बनाना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरा कमांड लेट गलती से बंद हो गया मुझसे। तो चलिए दोबारा से मैं कमांड चला देता हूँ, VSSADMIN VSSADMIN CREATE क्रिएट SHADOW शैडो स्पेस फॉर इजिकल टू ई ड्राइव कोलन और एंटर, एंटर प्रेस करता हूँ। और चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर, और यहाँ पे मेरा ये शेडो कॉपी मेरा यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, शेडो कॉपी आईडी। जब मुझे ये शेडो कॉपी रिस्टोर करना होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो शेडो कॉपी आईडी है, मुझे ये चाहिए होगा। क्या है ये चाहिए होगा, तो चलिए देखते हैं। ग्राफिकली तो मैंने केवल ग्राफिकली नहीं, सॉरी, कमांड लाइन से तो मैंने इस कमांड के थ्रू मैंने शेडो कॉपी को बना दिया है। तो चलते हैं फिर दोबारा से, मैं चीज़ों को डिलीट करके देखता हूँ। आप कमांड लाइन से भी चाहें तो इस ड्राइव के अंदर जाके CMD से और RMDIR और कमांड से या DIR डिलीट कमांड से चीज़ों को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने डिलीट किया है। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैंने डिलीट किया है। तो डिलीट करने के बाद अब मैं कमांड लाइन से फिर सारी चीज़ों को रिकवर करके दिखाता हूँ। तो रिकवरी के लिए प्रोसेस होगा, CMD ओपन करना है आपने, और सबसे पहले आपने शेडो कॉपी का वर्जन देखना है। क्या है, शेडो कॉपी का वर्जन देखना है, क्योंकि शेडो कॉपी जरूरी नहीं है कि आप तुरंत ही डिलीट करके और आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास शेडो कॉपी मैंने बनाया हुआ था, एक दो दिन बाद हो सकता है कोई इसको डिलीट करता है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शेडो कॉपी आईडी देखनी पड़ेगी। तो शेडो कॉपी आईडी को देखने के लिए मेरे पास कमांड होता है VSSADMIN VSSADMIN लिस्ट शेडोज SHADOWS और एंटर करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरा यहाँ पर एक शेडो कॉपी आईडी मुझे दिख रहा है। तो शेडो कॉपी आईडी, सॉरी, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है शेडो कॉपी आईडी, आपको इसका कॉपी करना है, क्योंकि आपको ये रिस्टार्ट सॉरी रिकवरी के लिए चाहिए होगा। तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको रिकवरी वाला कमांड अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो द कमांड इज द VSSADMIN VSSADMIN REVERT रिवर्ट REVERT रिवर्ट, सॉरी, ठीक है, SHADOW शेडो स्पेस SHADOW इजिकल टू
और यहाँ पे मैंने शेडो कॉपी का जो आईडी कॉपी किया था उसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप वाकई में रिवर्ट चाहते हो। मैंने कहा यस आई यस, तो मैंने बाई प्रेस करके एंटर किया और यहाँ पे दब ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम इज हियर, जस्ट जस्ट ये क्या कह रहा है, द वॉल्यूम कैन नॉट बी रिवर्ट सिंस इट इज इन यूज। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने जैसे ही दोबारा से ये कमांड चलाया है, सेम कमांड, अब बाई प्रेस करके जैसे ही मैंने एंटर किया, पहले थोड़ा सा मैंने लेट प्रोसेस किया था इसलिए यहाँ पे इसने इसको काम नहीं किया। मैंने जैसे ही डू यू रियली वॉन्ट टू वाई दबा के एंटर किया, ये कह रहा है शेडो कॉपी वाज हैज बीन सक्सेसफुली रिवर्टेड। चलिए रिवर्ट हुआ है तो देख भी लेते हैं एक बार फिर से, क्या वाकई में रिवर्ट हो गया। यस इट इज़ रिवर्ट विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। तो आप इस कमांड के थ्रू भी आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और इस शेडो कॉपी पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेट द न्यू अपडेट दिस टाइप्स ऑफ एक्साइटेड वीडियोस। सो एंड दीज वीडियोस फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, दे गेट द नॉलेज अबाउट द सर्वर्स। थैंक यू एंड बाय बाय।